भोपाल सप्ताह में नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे शोषण के कई मामले राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला आज भोपाल के थाना टीला जमालपुरा क्षेत्र में देखने को मिला। 7 साल की नाबालिग बालिका के साथ चंदा करने वाले व्यक्ति ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना लगभग 20 दिन पहले की बताई जा रही है। 20 दिन पहले जब छात्र स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, उस समय व्यक्ति ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाबालिग ने घटना की पूरी जानकारी अपने परिवार वालों को दी थी, परंतु आरोपी क्षेत्रीय निवासी नहीं था, बैरसिया का रहने वाला है। आरोपी आज दिनांक जब बच्ची स्कूल से घर की तरफ जा रही थी तो फिर उसने इस व्यक्ति को दोबारा रास्ते में देखा। इसके बाद नाबालिग द्वारा अपने परिजनों को छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति का क्षेत्र में होना बताया। परिवार के लोगों द्वारा आरोपी को पकड़कर थाना टीला जमालपुरा ले जाया गया, जहां पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। वाइट एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित। मैम, टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ आज फिर एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, क्या रही है पूरी घटना? मैम, ये नाबालिग के साथ टीला जमालपुरा के इंदिरा नगर शिव मंदिर बस्ती का क्षेत्र का मामला है। ये 7 साल की बच्ची के साथ जुलाई में बैक टच की घटना हुई थी और जिसकी रिपोर्ट तक समय नहीं की गई थी, क्योंकि वो एक बताया जाता है कि ये मदरसे के लिए चंदा मांगने का काम करता है और बैरसिया क्षेत्र का रहने वाला है। तो तब इनके परिवार वालों ने उसको ढूंढना चाहा लेकिन मिला नहीं। तो ये कल फिर उस बच्ची को दिखा जब ये स्कूल से लौट रही थी, उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को बताया, सब उसको फिर नाम वगैरह की जानकारी ली और थाने में रिपोर्ट करी, उसके बाद इसमें अपराध पंजीयन कर उसको राउंड अप कर लिया। मैम, टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ आज फिर एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, क्या रही है पूरी घटना? मैम, ये नाबालिग के साथ टीला जमालपुरा के इंदिरा नगर शिव मंदिर बस्ती का क्षेत्र का मामला है। ये 7 साल की बच्ची के साथ जुलाई में बैक टच की घटना हुई थी और जिसकी रिपोर्ट तक समय नहीं की गई थी, क्योंकि वो एक बताया जाता है कि ये मदरसे के लिए चंदा मांगने का काम करता है और बैरसिया क्षेत्र का रहने वाला है। तो तब इनके परिवार वालों ने उसको ढूंढना चाहा लेकिन मिला नहीं। तो ये कल फिर उस बच्ची को दिखा जब ये स्कूल से लौट रही थी, उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को बताया, सब उसको फिर नाम वगैरह की जानकारी ली और थाने में रिपोर्ट करी, उसके बाद इसमें अपराध पंजीयन कर उसको राउंड अप कर दिया। अपराध रहा है, अभी पूछताछ चल रही है अपराध के बारे में और आगे कंफर्म। मैम, कहाँ से गिरफ्तार किया? थाने पर ही उसको लेके आए, परिजनों द्वारा ही लेके आए, परिजनों ने ही नाम बताया था, उससे पूछताछ करी। ठीक, उसके बाद